गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। स्पीकिंग करते समय अधिकतर इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आप अधिकतर स्पीकिंग करते समय कहते हैं कि मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता है, तुम्हें नहीं लगता है, क्या तुम्हें लगता है, क्या उसे लगता है, इत्यादि इत्यादि आप लगता है नाम का सेंटेंस यूज़ करते हैं। तो इसको हम लोग सेंटेंस में कैसे बनाएंगे, तो आज हम लोग इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि स्पीकिंग करते समय हम लोग लगता है वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। जैसे कहना है मुझे लगता है तुम बीमार हो, तो हम बोलेंगे आई थिंक दैट यू आर इल। तो दोस्तों, यहाँ पर लगता है का मतलब ये हो रहा है कि मैं सोचता हूँ, मेरा ऐसा मानना है, तो इसलिए हम लोग लगता है कि यहाँ पर थिंक लगाएंगे। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जब भी लगता है आएगा आपको हमेशा थिंक लगाना है, हमेशा थिंक नहीं लगाना है। लेकिन यहाँ आज का जो टॉपिक है वहाँ आपको थिंक लगाना है। जैसे कहना है मुझे नहीं लगता कि तुम खुश हो, आई डोंट थिंक दैट यू आर हैप्पी। क्या तुम्हें लगता है कि वह आएगी, डू यू थिंक दैट शी विल कम। मुझे नहीं लगता कि वह जवाब देगी, आई डोंट थिंक दैट शी विल रिप्लाई। उसे लगता है कि मैं बेईमान हूँ, शी थिंक्स दैट आई एम डिसऑनेस्ट। क्या उसे लगता है कि मैं धोखेबाज हूँ, डज शी थिंक दैट आई एम अ चीटर। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम पक्के दोस्त हैं, डोंट यू थिंक दैट वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें फिल्म देखना चाहिए, डोंट यू थिंक दैट वी शुड वॉच अ मूवी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें क्रिकेट खेलना चाहिए, डोंट यू थिंक दैट वी शुड प्ले क्रिकेट। तो दोस्तों, अगर आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो आपको बोलना पड़ेगा आई थिंक, यू थिंक, ही थिंक्स, शी थिंक्स, इसको इस टाइप को बनाएंगे। और अगले वाले वाक्य के पहले आपको दैट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि की यानी दैट होता है, क्योंकि हम लोग कोई कथन की बात कर रहे हैं, कोई स्टेटमेंट बोल रहे हैं। और अगला जो सेंटेंस होगा, जो भी टेंस होगा, हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर हम लोग इसको पास्ट टेंस में बनाना चाहें तब क्या करेंगे, जैसे आपको कहना है मुझे लगता था वह बीमार है, तो हम बोलेंगे आई थॉट दैट ही वॉज इल। तो जो थिंक है उसका पास्ट टेंस हो जाएगा थॉट। मुझे नहीं लगता था कि वह जवाब देगी, आई डिड नॉट थिंक दैट शी वुड रिप्लाई। तो दोस्तों, जब पहला वाक्य पास्ट टेंस होता है तो अगले वाले वाक्य में हमको सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है उसका हमको पास्ट टेंस करना पड़ता है। क्या तुम्हें लगता था कि मैं बेवकूफ हूँ, डिड यू थिंक दैट आई वॉज स्टूपिड। बच्चों को लगता था कि पापा डांटेंगे, चिल्ड्रन थॉट दैट फादर वुड स्कोल्ड। माँ को नहीं लगता था कि बच्चे अच्छे अंक पाएंगे, मदर डिड नॉट थिंक दैट चिल्ड्रन वुड गेट गुड मार्क्स। तो दोस्तों, इस प्रकार का सेंटेंस आपको बनाना है, प्रैक्टिस अधिक से अधिक करना है। दोस्तों, सेंटेंस बदल बदल कर, वर्ड्स बदल बदल कर, सब्जेक्ट बदल बदल कर, टेंसेस बदल बदल के आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप सेंटेंस को आराम से बनाना सीख जाएंगे। और जब भी स्पीकिंग करेंगे तो आपको हेजिटेशन नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस लाउडली करें, ज़ोर से बोलें। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आपको जो भी नया वीडियो चाहिए, कुछ नया डाउट चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे पूछें। नेक्स्ट टाइम मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस वीडियो को बनाऊँ। धन्यवाद, बहुत जल्द मिलते हैं एक नई कोशिश के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।